हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। चाइना बॉर्डर पर 45 साल बाद हिंसा लद्दाख की गालवान वैली में कर्नल और दो जवान शहीद। जवाबी कार्रवाई में चीन के भी 3 से 5 जवानों के मारे जाने की खबर। लद्दाख में भारत चीन सीमा विवाद अब बड़े तनाव में तब्दील होता जा रहा है। सोमवार रात लद्दाख की गालवान वैली में दोनों देशों के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हो गई। इसमें भारत के एक कर्नल और दो जवान शहीद हो गए। जो कर्नल शहीद हुए वे इन्फेंट्री बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर थे। 45 साल यानी 1975 के बाद भारत चीन सीमा पर ऐसे हालात बने हैं जब भारत के जवानों की शहादत हुई है। इस बार कोई गोली नहीं चली, सैनिकों के बीच पथराव हुआ, डंडों से एक दूसरे पर हमला किया गया। भारतीय जवानों की जवाबी कार्रवाई में चीन के 5 सैनिक मारे गए हैं और 11 जवान घायल हुए हैं। चीन के अखबार द ग्लोबल टाइम्स की चीफ रिपोर्टर ने ही पहले इसे कंफर्म किया, हालांकि बाद में उन्होंने कहा कि उन्होंने ये बात भारतीय मीडिया के हवाले से कही थी। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत एक तरफा कार्रवाई न करे, नहीं तो मुश्किलें बढ़ेंगी। वहीं चीन के अखबार द ग्लोबल टाइम्स ने चीन के विदेश मंत्रालय के हवाले से बताया कि बॉर्डर पर दोनों देशों के बीच रजामंदी बनी थी, लेकिन भारतीय जवानों ने इसे तोड़ दिया और बॉर्डर क्रॉस किया। आर्मी ने कहा हालात काबू करने के लिए मीटिंग जारी। आर्मी की तरफ से जारी बयान में कहा गया, कल यानी सोमवार रात को गालवान वैली में डी एस्केलेशन प्रोसेस चल रही थी, लेकिन तभी हिंसा हो गई। हमारे एक अफसर और दो जवान शहीद हो गए। अभी दोनों देशों की सेनाओं के सीनियर ऑफिसर तनाव कम करने के लिए मौके पर ही मीटिंग कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद सेना ने दोबारा बयान जारी कर कहा कि हिंसक झड़प में दोनों तरफ के सैनिकों की जान गई है। 45 साल पहले चीन बॉर्डर पर भारत के जवान शहीद हुए थे। 20 अक्टूबर 1975 को अरुणाचल प्रदेश की तुलुंगला में असम राइफल की पेट्रोलिंग पार्टी पर अंबुश लगाकर हमला किया था। इसमें भारत के 4 जवान शहीद हुए थे। मई से तनाव, जून में 4 बार बातचीत हुई, फिर भी हिंसा भड़की। दोनों देशों के बीच 41 दिन से सीमा पर तनाव है। इसकी शुरुआत 5 मई से हुई थी। इसके बाद दोनों देशों की सेनाओं के बीच जून में ही 4 बार बातचीत हो चुकी है। बातचीत में दोनों देशों की सेनाओं के बीच रजामंदी बनी थी कि बॉर्डर पर तनाव कम किया जाए या डी एस्केलेशन किया जाए। डी एस्केलेशन के तहत दोनों देशों की सेनाएं विवाद वाले इलाके से पीछे हट रही थी। पूर्व DGMO ने कहा इस झड़प को हल्के में न लें। पूर्व डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड विनोद भाटिया बताते हैं कि दोनों ओर से सैनिकों के बीच ये हिंसक झड़प और उसमें एक कर्नल और दो जवानों की शहादत बेहद चिंता की बात। दोनों ही पक्षों को आपस में मिल बैठकर हालात को तुरंत काबू में लाना होगा। ये हिंसक झड़प बताती है कि हालात बेहद तनावपूर्ण है, इसे हल्के में न लिया जाए। 1967 में भी हिंसक टकराव हुआ था। 1962 की जंग के बाद 11 सितंबर 1967 को सिक्किम के नाथुला में भारत और चीन के बीच हिंसक झड़प हुई थी। उसके बाद 15 सितंबर 1967 को भी झड़प। विवाद अक्टूबर 1970 में जाकर थमा था। चीन ने तब दावा किया था कि भारत के 65 सैनिक शहीद हुए थे। वहीं चोला झड़प में भारत के 36 जवान शहीद हुए थे। अनुमान है कि पूरे टकराव के दौरान 400 चीनी सैनिकों की भी मौत हुई थी। जागरूक टीवी की खास पेशकश।